नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। देखिए किस तरह से सोमवार को रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक, यूं कहें तो बजट बैठक, किस तरह से हंगामे के साथ शुरू हुई। पार्षदों ने बहिष्कार तक की चेतावनी दे डाली। आखिर मीडिया को बैन कर क्या छुपाना चाहती है नगर परिषद? प्रवीण जी, ये हंगामा क्यों हो रहा है? जैसा कि आप देख रहे हो, पहले बजट की बैठक हमारी स्टार्ट हुई थी, उसमें चेयरपर्सन द्वारा ये कही गई है कि जो महिला बिचारी बोल नहीं सकती हैं, उनके पार्षद पति पेपर लेने के लिए पीछे बैठे हैं। इन्होंने बिल्कुल हिटलर शाही अपनी करके इन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगा दी। हम अपनी आवाज़ कैसे मीडिया के सामने उठाएंगे और शहर की आवाज़ कैसे उठाएंगे? इन्होंने पूरी हिटलर शाही करके, और हम 16 से 17 पार्षद इसका बहिष्कार करते हैं। हम मीटिंग में नहीं बैठेंगे अगर इस तरीके का हाल। अब चेयरपर्सन क्या कह रहे हैं आगे मीटिंग को लेकर? नहीं, अब देखो, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि पुलिस बुलानी पड़े। हम रेवाड़ी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और जितने ये खड़े हैं सारे चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हमारे सामने पुलिस को बुला के खड़ा करेंगे तो हम जनता की आवाज़ को कैसे उठाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ दाबने की कोशिश करी जा रही है। पहले भी कभी पुलिस आई है या पहली बार पुलिस आई है, या पुलिस अलाउड है मीटिंग में? पहली बार, दूसरी बार पुलिस आई है। पहली बार जब पुलिस आई थी, जब एक बार हमारे पार्षद ने अपने वार्ड के विकास के लिए आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ दाबने के लिए इन्होंने पुलिस को वहाँ बुलाया है। अब आप क्या करें, क्या सोलूशन हल निकलेगा इसका? भाई, अगर इसका हल निकलता है तो ठीक है, नहीं बाहर दरी बिछा के हम सारे पार्षद धरने पे बैठेंगे, जितने भी हमारे जिसमें इसमें समर्थन। या आप सिर्फ मीडिया नहीं अलाउड है इसके लिए करें? नहीं, मैंने मीडिया के सामने, हम मीडिया के सामने पता लगे रेवाड़ी की जनता को कि क्या भ्रष्टाचार नगर परिषद द्वारा और इनके द्वारा करा जा रहा है। हम पेपर लेके आए हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़, ताकि मीडिया को ना पता लगे, रेवाड़ी की जनता को ना पता लगे, तो आवाज़ हमारी कैसे बुलंद होगी? और ये पाबंदी लगाते हैं मीडिया के ऊपर। और आप लोगों को बताओ।